खेरागढ़ के गांव दहगाबा में दलित परिवार की पिटाई। दबंग ठाकुर युवक ने दलित की बेटी के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। पुलिस से शिकायत करने पर दलित के घर में लगाई आग। पुलिस की लापरवाही, दबंगों के हौसले बुलंद। दिनांक 11 जुलाई को खेरागढ़ में जगनेर ब्लॉक के गांव दहगाबा में कुछ दबंग युवकों ने दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर लड़की की बेरहमी से पिटाई की गई। परिवार के सदस्यों द्वारा आपत्ति जताने पर स्वजनों को भी पीटा गया, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार पुलिस से लगाई। पुलिस से शिकायत करने से गुस्साए दबंगों ने दिनांक 13 जुलाई की रात्रि पीड़ित दलित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण ने पीड़ित परिवार के साथ हुए शोषण की जानकारी दी। प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ। मामला यह है कि 11 तारीख को बच्ची अपने घर से वापस आ रही थी और ये घटना जो है जिला थाना जगनेर का ग्राम ब्लॉक दगवा का है, जिसमें कि बच्ची के साथ छेड़खानी की गई। बच्ची जब वापस आ रही थी तो रास्ते में बच्ची को पकड़ कर उसको खेतों में ले जाकर उसके साथ असली हरकत करने की कोशिश करी, जिसमें कि दबंग ठाकुरों के द्वारा, जिसका नाम छिद्दा और भगवान सिंह और उसके पुत्रों ने मिलकर के बच्ची के साथ असली हरकत करी। जब बच्ची चीखी चिल्लाई तो उसके परिवार जन उसको बचाने गए तो बच्चियों के साथ साथ उनके परिवारों को भी मारपीट किया गया, जिसको बुरी गंभीर हालत है मांगेलाल जी का और नरेश जी का। आप देख सकते हैं कि कितना पीड़ित परिवार है, जिसमें कि गर्भवती महिला को भी मारा गया। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार देश व प्रदेश में आई है, वो ये कहती है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा है। क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का नारा ये है कि हम देख सकते हैं कि बच्चियों के साथ ये दिन दहाड़े घटनाएं हो रही है। जी, 11 तारीख का मामला है और आज हम फिर यहाँ पे हैं एसएसपी जी के संज्ञान में, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम एसओ साहब से भी बात कर रहे थे और रात को जब हमने फेसबुक के माध्यम से ये घटना का जानकारी मिला तो हम वहाँ थाना जगनेर गए और वहाँ पे संज्ञान में लिया तो हमने एसओ से बात की और एसओ साहब से हमने कहा था कि यहाँ पे जो घटना हुई है बहुत निंदनीय और आप इसकी निष्पक्ष जांच करें। आग वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है ना, तब ठाकुरों का हौसला बुलंद हो रहा है। जब यहाँ पे मनुवादी सरकार में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, न्याय नहीं मिलेगा, तो एक पीड़ित को एक तो असली लड़का करने की कोशिश की, उसके मान सम्मान के साथ फिर छेड़खानी गई, ऊपर से इस पीड़ित का घर जला दिया गया, फिर पथराव किया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? पुलिस का कोई भी एक्शन नहीं है, ढुलमुल रुपया है, कोई भी कार्रवाई नहीं करे। जब हम एसओ साहब से बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि आप यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए गांव वालों को, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया और उसके बाद ये घटना होती है कि रात को 12 बजे पीड़ित परिवार का घर जलाया जाता है। रात को 1:30 बजे भी हम एसओ साहब से बात करते और उनसे कहते कि आपने घटना का जानकारी लिया और वहां जाकर के देखिए कि फिर घटना हुई, उसके बाद भी पथराव किया, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या हो रहा है? सर, हम चाहते हैं कि जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये देखना चाहिए कि दिन दहाड़े बच्चों का उत्पीड़न कितना हो रहा है। मतलब बेटी अपनी न्याय के लिए जा रहे हैं तो उनको उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मान सम्मान के साथ छेड़खानी की जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दहबगा गांव के दबंग ठाकुर परिवार ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर ठाकुर समाज के लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। दबंगों के चंगुल से छूटी पीड़ित लड़की ने आपबीती बयां की। मेरा नाम सत्यवती है। सत्यवती जी, क्या वारदात आपके साथ हुई थी और क्या पूरी घटना थी? जब मैं आ रही थी तब उसके लड़के ने मुझे खींचा ऊपर से डकरों में अकेले लेकर के गया खेत में, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मेरी छाती पे बैठकर मेरी मारपीट की। तब मैं चिल्लाई तो मेरी भाभी मुझे बचाने के लिए आई तो इनके भी साथ भी मारपीट की और फिर मेरे मम्मी पापा आए तो इनके साथ भी मारपीट की। छेड़खानी की वो कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? उस लड़के का नाम आकाश था और उसका पापा भगवान सिंह, उसका दादा छिद्दा और उसका छोटा भाई विकास। तो FIR कराई आपने, पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया अभी तक। नहीं लिया, अब गए थे हम थाने में लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिया। मेरा नाम मालती है। क्या घटना है कल? मेरी नंद को खींच कर ले गया, मैंने आवाज सुनी थी उसके डॉक्टरों ने बहुत पीटी की थी और मैंने आवाज सुनी तो उनको भी मारा और हमारे घर वालों को स्वामी को भी मारा, मार को डाल। आपको भी मारा? कहाँ पर? पेट में दिए और मेरा हाथ में दिए। पीड़ित परिवार और समर्थकों का आरोप है कि योगी सरकार दलितों के हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन योगी सरकार में लड़कियों के साथ अपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की हीलावाली के चलते दलितों के साथ शोषण हो रहा है। सूत्रों की माने तो अभी तक इस मामले में पुलिस ने उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की है।
साइबर इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।